हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए क्लास 7th और 8th की जेनरिक वर्कशीट नंबर 2 लेकर आई हूँ। बच्चों, ये 6 तारीख की वर्कशीट है और इसमें आपको बताया गया है पहले हमारे जीवन में कितनी असुविधा थी, सब कुछ हाथों से होता था, पुरानी मशीनें थी और अब नई मशीनें, नया युग की ओर हमने कदम रख दिया है और सब कुछ नया नया हो गया है। कंप्यूटर और हाथ से चलने वाली मशीन अब बिजली से चलने लगी है, जैसे मिक्सी। पहले इस्तेमाल करते थे हम हाथ से चटनी बनाने के लिए सिलबट्टा इस्तेमाल करते थे। बच्चों, मैं आपको डिटेल में ये बताना चाहती हूँ कि ये जो पिक्चर दी है ना, पहले पिक्चर में एक आदमी जो है वो टोकरी में कुछ साफ कर रहा है, ठीक है, तो ये बाँस की टोकरी है, ठीक। सेकेंड पिक्चर में क्या है, घास काटने वाली मशीन है। आपने कभी गाँव में अगर गए होंगे और तो जानवरों के लिए चारा इसमें काटा जाता है, ठीक। और तीसरे नंबर पर जो है ये वर्मा हैंड पंप, ठीक है, हैंड पंप कहते हैं इसे, ठीक, वो दिया गया है। फिर चौथे नंबर पे मिट्टी के बर्तन हैं और पांचवे नंबर पे सिलबट्टे पे कोई चटनी बना रहा है और छठे नंबर पर क्या कर रहे हैं, एक वो जो हाथ से कपड़े बनाने वाले होते हैं, हथकरघा वाले, ठीक है, उसकी पिक्चर दी गई है, ठीक। बुनकर कहते हैं उन्हें, ठीक है, बुनकर जो हाथ से दरी, चद्दर और कपड़ों की बुनाई करते हैं, दरी बनाते हैं, चद्दर बनाते हैं, वो होते हैं, ठीक है। तो इसमें इतना डिटेल में बताने वाली ज़रूरत नहीं है, मैं वैसे ही आपको समझा दूँगी तो आपका समझ आ जाएगा। अब देखो, पहले क्या होता था, सिलबट्टे से चटनी बनती थी। सेकंड पिक्चर की फर्स्ट जो पिक्चर है, सेकंड जो आपका वर्शन दिया हुआ है इसका, उसमें सब आधुनिक चीज़ें दी हैं। क्या आधुनिक दी है, मिक्सी दी है। पहले हाथ से चटनी बनती थी सिलबट्टे से, अब मिक्सी से बन जाती है सब काम, मिक्सी से जूस और मैंगो शेक कुछ भी बना लो। और जो खेतों में पहले क्या होता था, हल चलते थे, बैलों को जोता जाता था और हल चलते थे। अब क्या होता है, ये जो मशीन आपको दिखाई गई है खेतों की बुआई करने के लिए, ठीक है, उसको मिट्टी को ऊपर नीचे पलटने के लिए ताकि बीजों को आसानी से डाला जा सके, उसको ये मशीन उसमें इस्तेमाल होती है, ठीक। अब माइक्रोवेव दिखाया गया है, ठीक है ना, कितनी आसानी से केक बनाया जाता है, बेक किया जाता है कोई भी सामान। और फिर है कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर बहुत आधुनिक युग का सबसे मतलब इम्पॉर्टेंट पार्ट तो कंप्यूटर ही है, ठीक है ना। अब सब कुछ कंप्यूटराइज हो गया है, सब कुछ बड़ी आसानी से कंप्यूटर से किसी भी चीज़ की नॉलेज आप गूगल से ले सकते हो, ठीक। अब है सिलाई मशीन, आपके सामने सारी पिक्चर बनी है बच्चों, ठीक। तो इस तरह से सारी पिक्चरें बनी हुई हैं, फिर लास्ट में एक पिक्चर और दी है, मशीन बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो अब जो है इन्होंने क्या करा है, बादल जैसी आकृति बना के आपको दी हुई है और फिर बोला गया है कि इसमें इनके नाम लिखो। जो फर्स्ट पिक्चर है उसमें 6 पार्ट हैं, इसके 6 नाम इसके आ जाएंगे और इधर भी इन्होंने 6 पार्ट कर रखे हैं, 6 नाम दूसरी वाली पिक्चर। चित्र 1 के नीचे 6 गोले बना के दे रखे हैं बादल जैसे और चित्र 2 के नीचे 6 गोले बना के दे रखे हैं, उनके नाम लिखने हैं। तो मैं आपको नाम लिख के दे रही हूँ बच्चों। सबसे पहली पिक्चर जो है उसमें क्या नाम आएगा, सबसे पहली पिक्चर में नाम आएंगे आपके, पहले चित्र में है एक टोकरी, चारा काटने की मशीन, हैंड पंप या नलकूप, मिट्टी के बर्तन, सुराही, कुल्हड़, घड़ा, कुछ भी लिख सकते हो आप, ठीक है। और फिर है सिलबट्टा, हथकरघा, जो बुनकर होते हैं, दरी चद्दर बनाते हैं उनको हथकरघा कहते हैं, आप बुनकर भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। अगला जो चित्र है आपका, उसमें बताया गया है, 6 चित्र उसमें भी दिए गए हैं, उसमें है मिक्सी, ट्रैक्टर, ठीक है, और हैरो भी कहते हैं उसे, ठीक है, अवन, कंप्यूटर, सिलाई मशीन और मशीन और उसके पुर्जे, ओके। तो इस तरह से आप उसका आंसर लिख सकते हो। और एक क्वेश्चन और दिया है आपको, वो दिया है जो आप इन जो हमने शब्द लिखे हैं ना, जो चित्र बने हुए हैं और उनके लिए हमने जो शब्द लिखे हैं उसके ऊपर ही यहाँ पर वाक्य बना के दिखाने हैं। अब आप इन शब्दों को, शब्दों और चित्रों से जुड़े कुछ वाक्य बनाकर लिखिए। तो मैंने आपके वाक्य बनाकर लिख के दिए हैं बच्चों, तो आप ये लिख सकते हो। पहला वाक्य है, सबसे पहला वाक्य है, बांस की टोकरी मजबूत होती है, ठीक है। आपको हिंदी के वाक्य बनाने आते होंगे, आप बहुत आसानी से वाक्य बना सकते हो, ऐसी बात नहीं है, हिंदी के तो बहुत बच्चे आसानी से कर सकते हैं सारा काम, फिर भी मैंने आपके लिए बना के दिए हैं। पहला है, बांस की टोकरी मजबूत होती है। दूसरा है, चारा काटने की मशीन गाँव में होती है, ठीक है। आपके मन में अगर कोई और वाक्य आ रहा है तो आप उसे भी लिख सकते हो। थर्ड है, तीसरा पॉइंट है, पहले मेरे घर में हैंडपंप था, बेटे सभी के घरों में शायद हैंडपंप होगा क्योंकि जो ये टूटी का पानी है, जो टैप लगे हैं आप सबके घरों में, ये तो काफ़ी बाद में आए हैं, सबके घरों में पहले हैंडपंप ही हुआ करते थे, ठीक है। फोर्थ है, मेरी दादी आज भी मिट्टी के घड़े में पानी पीती है,
ठीक है, मिट्टी के बर्तन के लिए आप ये वाक्य लिख सकते हो। पांचवा, मेरी मम्मी सिलबट्टे से चटनी बनाती हैं। फिर है, गांव में आज भी लोग हथकरघा उद्योग से जीविका चलाते हैं। ठीक है, कपड़े बनाते हैं, चरखा चलाते हैं, आपको पता है चरखे से धागा निकलता है, फिर उससे कपड़े वपड़े बुनते हैं, दरी चद्दर बनाते हैं, तो ये आप लिख सकते हो। ठीक, अच्छा जी। और फिर है, ट्रैक्टर से खेती करने में आसानी होती है। हैं, मैंने छोटे छोटे वाक्य आपके लिए बनाए हैं, आप उसी हिसाब से लिख सकते हो। ठीक, और लास्ट है, आधुनिक युग में कंप्यूटर का बहुत ही बड़ा महत्व है या बहुत महत्व है। ओके, तो इस तरह से हम इसके वाक्य को लिख सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही आसान होगा, इन शब्दों को बनाना और लिखना बहुत इजी शब्द हैं, आप बड़े आसानी से लिख लोगे। और कोई ऐसा वर्कशीट में कुछ ऐसा मुश्किल नहीं दिया गया है जो आप ना समझ सको। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे बच्चों, तो प्लीज़ मेरे चैनल को प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बच्चों, प्लीज़। थैंक यू वेरी मच।